आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं तीन गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी तीन का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना, वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं।
जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे, हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है, निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, आपने चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी।
आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए
मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं।